और आप जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वर्षानुवर्ष से देखते आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ फेसबुक के इस ऑफिस का, और धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोगों का प्रेम वर्षानुवर्ष जो बरकरार रहा है। और मैं जिस वक्त यहाँ पे आया, आप लोगों ने मेरे समक्ष, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, डांस का एक एक्ट किया, उसमें कहा कि मुंह बंद करिए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू करूं, तो अब तो मेरी तो बोलती बंद है। तो बोले थैंक यू सो मच जी। हाय, वाह, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और दिल खुश हो गया है, क्या कह सकता हूँ। डॉली 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 ये जो फिल्म मेरे होम प्रोडक्शन की आ रही है, ये मेरे होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, इसका टाइटल है आ गया हीरो, और काफी साल हो गए आप लोगों ने मुझे पर्दे पे एज अ हीरो नहीं देखा, 14-15 साल हो गए, और पार्टनर और भागम भाग ये दोनों फिल्मों में आप लोगों ने मुझे देखा, परंतु इसमें मैं हीरो का किरदार नहीं कर रहा था, मैं इसमें करेक्टर किरदार निभा रहा था, और अब बहुत साल बाद आपको वो चीज़ें देखने मिलेंगी जो आप मेरे सिनेमा में फिल्मों में आके देखा करते थे, या उस टाइप के फिल्मों के गाने कह लीजिए या डायलॉग्स कह लीजिए, अब वो सब देखने के लिए मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत से पसंद करेंगे। धन्यवाद देता हूँ आपके पूछने के लिए, प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी मैंने आप लोगों ने मुझे फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखा है वर्षानुवर्ष, उसमें आदरणीय कादर खान जी का बहुत हाथ रहा है, अच्छे गुरु के बिना शायद ही ये मुमकिन होता है कि आदमी अच्छा काम कर पाए, तो आज मैं इस नए माध्यम के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपकी वजह से मैं इतना फिल्मों में इतना कामयाब हो पाया, धन्यवाद, और आई एम फीलिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। इतनी तारीफ नहीं कीजिए, बहुत घबराहट होती है क्योंकि उनके जितने जो गाने या डांस कह लीजिए, उनमें उनके स्टेप्स जो होते थे वो उनका डांस होता था, मेरे जो डांस होता है वो तो डांस होता ही नहीं है, मैं तो बिना बोले बात करता हूँ, तो इतने ज़्यादा किसी भी बड़े व्यक्ति से मुझे नहीं मिलवाई, मैं विरार का छोकरा ही अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके सम्मान का। हूँ मजा मा मजा मा छो तमें केम छो, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, वर्षानुवर्ष ये आप लोगों का प्रेम रहा है, आप लोगों को जैसे पता है कि करियर कभी भी मेरा प्लान नहीं रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम कर लिया हो या किसी फिल्म में ऐसा काम कर लिया हो कि जिस फिल्म की प्लानिंग इस तरह से हुई हो कि उसे नेशनल अवार्ड मिल जाए या ऐसे हो, ऊपर वाले ने जो काम मुझे दे दिया मैं करता रहा, और उसमें कहीं भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ, और पुनः वो वैसी गलती कभी नहीं हो, ऐसा मेरा ऐसा काम करने का मेरा तरीका है, तो इस फिल्म में क्योंकि ये मैंने फिल्म बनाई है, आप लोगों को शायद ही उसमें इस तरह की कहीं लोग निकाल पाएंगे, जैसे जिद करेंगे तो निकालने वाले तो निकाल ही लेते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊपर वाले ने कृपा की है कि ये फिल्म इस हद में मैं बना पाया। विमल शांति 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 लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपको पूछा जा रहा है, आपका भी भोपाल आए हैं,
अभी तक तो नहीं है, इन केस कभी आया तो मालविया जी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बहुत माल आए और मैं भोपाल आऊं और ये बहुत सुपर हिट निकले फिल्म, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद देता हूं जो लोग प्यार कर रहे हैं आप सभी का, संपूर्ण विश्व में जो लोग देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का प्रेम ही है जिसकी वजह से ये कृपा रही है और साथ रहा है, शुक्रिया अदा करता हूं। आप हर वो शख्सियत कह लीजिए या शख्स कह लीजिए जिनके वजह से मैं फिल्मों में कामयाब हो पाया, आप लोगों के दिल से निकली हुई जो दुआएं होती हैं वही काम आई हैं, वरना मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी जिंदगी में एज अ हीरो कामयाब हो जाऊंगा। मैं 4 से 5 फिल्में बनाऊं, दिव्या जी पहले उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये निकले, और इसी को भी बनाते बनाते मुझे 3-4 साल मेरे जो है वो खर्च हो गए, और इसके अलावा बहुत कुछ खर्च हुआ है, यहाँ पे फेसबुक पे उसका डिस्कस नहीं हो सकता है। और दिव्या जी आपके दैवीय रूप से आप यही प्रार्थना कीजिए कि ये दिव्यता बरकरार रहे और उसकी जो पाठकता है उसकी उसके कष्ट कभी इस तरह से ना आए कि पाठ में या पढ़ाई में लोग ये कहें कि भाषा का, शब्दों का, फिल्मों के गानों का कहीं कोई मोल जो है वो उसमें कहीं चूक हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो फिल्म लगे वो यादगार हो, उसके लिए जल्दबाजी भले ही ना हो परंतु ऐसा लगे कि काम कमाल हुआ है। ये जो फिल्म है इसका जिस वक्त आप नज़ारा लेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि हर शब्द हर भाषा के प्रयोग में बाकायदा कहीं प्रयोजन रहे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ संपूर्ण विश्वास के साथ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसमें लापरवाही की गई है, हर चीज़ जो है बहुत सोचने के बाद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप सभी का। समीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंतज़ार कर रही हैं। मेरी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है वो आ गया हीरो है, और मेरी होम प्रोडक्शन की ये पहली फिल्म है, और मुझे काफ़ी समय लग गया कि मैं आप लोग 2014 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 फिल्में लगी थी, परंतु ये जो अब जो आ रही है ये फिल्म मुझे लगता है कि ये इंतज़ार जो है ये अच्छा ही लगेगा, किसी भी व्यक्ति से खलेगा नहीं। मुझे लगता है कि सरस्वती का जो मैदान होता है उनकी जो संपूर्ण व्यवस्था कर लीजिए उसमें वो किसी के बस में नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं है, वो समय के हिसाब से होता है, और जो मुझे मिला मैं उसका सदैव शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मिले उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, दुआएं करता हूँ, और मेरा यह सोचना है कि जिस वक्त जो मिल रहा है वो बहुत ही कृपा है। आप हार्डवर्क करते रहिए, और ये जो समय लग गया मुझे लगता है कि कहीं तो अच्छा होगा, इसमें अच्छा ही होगा। क्या कह रही तू भाई, हैदराबादी ऐसे बोलते नहीं यार, क्या कर रही तू, धन्यवाद। क्या हाँ जी, और अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग नजारा लें, मेरे फिल्म की ये पहला जो प्रोमो है उसे हम इनके माध्यम से रिलीज कर रहे हैं, कृपया आप लोग इसका नजारा लीजिए। तो कैसा लगा आप, आपकी मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कहें कि क्या लगता है आप लोगों को। सिर्फ एक नहीं चलेगी,
अभी ऐसा नहीं कीजिए, बहुत नेहा जी आप फेसबुक पे आपके समक्ष में हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु ये जो एक नहीं चलेगी आपका जो एक है, ऐसा कभी मेरे से नहीं कहिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को नंबर वन से नहीं जोड़ दीजिए, ये पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। और आप क्या कह रही थी मुझे, क्या लिखा हुआ? राजू माइंड ब्लोइंग, ये दो सब्जेक्ट समुंदर के किनारे पे झू पे, मैं जिस वक्त मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था तो मैं रनिंग कर रहा था उस वक्त, मैंने दो फिल्में कोई सब्जेक्ट जो है, आ गया हीरो और राजू माइंड ब्लोइंग। आ गया हीरो इस फिल्म की ये कहानी है कि हर व्यक्ति जो है उसमें हीरो तो होता ही है, जिंदगी है तो मुश्किलें आ जाती हैं, जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त एज ए हीरो बाहर निकलते हैं, ये इसका थॉट है। और राजू माइंड ब्लोइंग जो फिल्म मैंने लिखी है ये थॉट है इसका चाय वाले की, एक ये फिल्म की कहानी है, जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप पे कितनी कमियाँ हों या कितना लोग आपको समझाएं कि ये दिखाएं कि भैया आप में आपकी भाषा की धरपकड़ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप में ये कमियाँ हैं, और ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति चाहे किसी न किसी माध्यम से आप ही को ये समझा रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या बेवकूफ़ हैं, आप में अकल नहीं है, तो उस हर व्यक्ति से धन्यवाद कहिए, शुक्रिया कहिए कि अच्छा भैया आपको हम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है और आप ये हमें समझा रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त देवियों की कृपा हो जाती है तो अनपढ़ जो है उसकी निकल पड़ती है, और जो पढ़े लिखे हैं उसे भी ये देवियाँ समझाती हैं कि देश काल परिस्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और मामूली चाय वाले की वो स्टोरी है जिस पर दैवी कृपा हो जाती है और संपूर्ण विश्व में उसका इतना नाम होता है कि उसके आगे जो है लोगों को झुकना पड़ता है। इसमें घमंड या उस प्रकार का मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये जो थॉट्स है हंसते हंसते जैसे आप लोग मेरी सिनेमा देखते हैं वैसे ही देखने मिलेगा आपको, परंतु ये जो थॉट्स है ये दो थॉट्स पे मैंने ये जो दो फिल्में जो है ये आ रही हैं जो आप लोगों के समक्ष आप लोगों को देखने मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं जयपुर के जितने भी वासी हैं उन्हें इस फेसबुक के माध्यम से उन्हें मैं ये कहूँ कि मेरी दिल में क्या इच्छा है। जयपुर में लोगों को ये पता ही नहीं अभी तक कि वहाँ पे चांदपोल में मेरे गुरुजी का निवास स्थान है, और वहीं से मुझ पर गुरु कृपा हुई थी वर्षानुवर्ष पहले, जिस वक्त मैं बच्चा हुआ करता था उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि गोविंदा जिस वक्त तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत से ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे जिसके लिए लोग बहुत आतुरता से उसका इंतज़ार करते हैं, और ऐसा हुआ। आज मैं प्रणाम करता हूं और उन सभी गुरुओं के प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से मैं सिनेमा जगत में कामयाब हुआ, हर वो व्यक्ति से प्रणाम करता हूं, माता पिता से प्रणाम करता हूं, और इसके माध्यम से मैं उन सभी से ये कह सकता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की कृपा से हूं, और आप लोगों का साया आप सदैव मेरे साथ रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कामयाब हो। मुझे लोग कहने लगे हैं आजकल, मैंने देखा है लोग कहते हैं कि आप बहुत धार्मिकता की तरफ आगे निकल रहे हैं, हर व्यक्ति में उसके जो माँ बाप के जो कृपा है वो अमुक आयु के बाद निकलती है। लोग जहाँ पर कहते हैं कि अब ये जो है व्यक्ति इसकी 50, 51, 52 या ऐसी आयु के इनकी हो गई अभी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये गया। मैंने ये बहुत इस फिल्म में ये हिम्मत की है कि इसके गया के आगे मैंने आ गया हीरो लगाया है। आप लोगों से सभी से प्रार्थना है कि इस हिम्मत की दाद आप देखने ज़रूर आइएगा आप लोग, कि जो पहले कभी नहीं किया 29-30 वर्षों में वो सब आपको इस फिल्म में नज़ारा देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच।
जी। और अब यहाँ पे मेरे साथ हैं आदरणीय अंकिता जी। मैं यहाँ पे इन स्टेप्स सिखाऊंगा और ये साथ में थोड़ा सा समय के लिए आप लोगों को डांस देखने मिलेगा, वही डांस।